अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूँ किफ़ायत जाफरी और अभी मैं हूँ प्रेजेंट काम पे। तो मैंने मुनासिब समझा एक काम दिखाने के लिए, जो ज़्यादातर लोगों का एक डाउट सा रहता है या डर सा रहता है, वो डर और डाउट दूर करने के लिए मैं हूँ। दोनों चीज़ में बताऊँगा आप लोगों की ज़िंदगी से ही, डर और डाउट, याद रखना ये चीज़। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये है मेरा, यहाँ पे है ये बाथटब जो इंस्टॉल मुझे करना है यहाँ पे, अभी इंस्टॉल नहीं होगा ये बाथटब। इंस्टॉल होगा पहले रोड़ी इसको पड़ेगी नीचे से, उसके बाद होगा बाथटब का इंस्टॉल। लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा कि बाथटब की फिटिंग यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। अगर आप लोग कस्टमर को लिखोगे ना दो फ्लोर रख एक बाथरूम के लिए, वो रोएगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक दो और एक तीन रखा है इसमें, तो तीनों का क्या क्या काम है मैं बताऊंगा इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो ये फ्लोर ट्रैप है, ये कोना जो है, ये वाला कोना, इस कोने को हम बनाएंगे क्यूबिकल। क्यूबिकल बोले तो वो ग्लास, राउंड वाला ग्लास हम लगाएंगे इसको 4x4 का। तो हो गया ये कोना बिजी, और वो कोना जो है इसको मैंने IWC रखा है इधर, यहाँ पे है ये जो पी ट्रैप वगैरह लगा के है ऊपर फ्लश वैल्यू, उसके बाद गीजर ऊपर है, तो यहाँ पे मैं इसको IWC लगाऊंगा। जब लगाऊंगा दिखाऊंगा मैं, क्योंकि आज एक वीडियो में कमेंट आई थी मेरे कि मुझे, आज एक वीडियो में हमें कमेंट आया था कि हमें दिखाओ कमोड का इंस्टॉलेशन। यही कमोड होगा, वो कमोड जो आप लोगों को दिखाऊंगा, वादा करता हूँ इस चीज़ का। मैं जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि क्या चीज़ सही है, जहाँ कोई डाउट रहता है, मुझे भी डाउट होता है कहीं कहीं, वो डाउट जब मुझे होता है, मेरा क्लियर होता है, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अपनी साइड से। डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है, मेरे साथ में रहो और मैं हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे फिर उसके बाद ये जो मल्टीपल फ्लोर ट्रैप जो मैं कल बता रहा था, ये मैंने नॉर्मल फ्लोर ट्रैप लगाया है, यहाँ पे मैंने लगाया है मल्टीपल फ्लोर ट्रैप। इसका दो इनपुट मैंने काम में लाए हैं, एक को मैंने यहाँ पे प्लग किया है, ठीक है। और ये वाला जो है ये बनेगा वह इसका बाथटब का ड्रेन, वो जो ऊपर लगा के हैं वो 2 इंची का है, ठीक है, 2 इंची का है उसका ड्रेन, वो बनेगा इसका ड्रेन। ये यहाँ से जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट वहाँ पे मैंने हाइट करके रखा है। और ये जो है ये वाला पाइप, ये जाएगा इसका ओवरफ्लो। ये बाथटब के हिसाब से फिटिंग होता है, बाथटब कहाँ पे फिटिंग बाथटब के हिसाब से होती है, कितना बड़ा बाथटब होगा उसी के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग ओवरफ्लो को वो फ्लेक्सिबल पाइप लगाते हैं, कल को वो जाम होता है। या इसको जो ड्रेन है, ड्रेन को फ्लोर ट्रैप अगर हम नीचे डालेंगे ना, बाथटब के नीचे अगर हम फ्लोर ट्रैप डालेंगे, डाल सकते हैं। लेकिन कल को अगर कचड़ा गया या वो वहाँ से ओवरफ्लो होके पानी गिरता जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये पाइप जो मैंने है, ये मैंने बिल्कुल ही, मैंने इसको कोई सालमेंट नहीं दिया है। अभी मैं इसको रोटी डालने वाला हूँ फिलहाल। और यहाँ पे भी देखो आप लोग, मैं YT का ही इस्तेमाल करता हूँ, हाफ सेट का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो इसको मैं डालने वाला हूँ रोटी यहाँ पे, और रोटी डालने के बाद मैं दिखाऊँगा पार्ट 2, याद रखना, मैं दिखाऊँगा तब बाथटब की इंस्टॉलेशन प्लस कमोड की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, इसको कितने सेटअप्स लगेंगे वो भी दिखाऊँगा मैं, ये वाला बाथरूम। तो ये भी बताऊंगा कि इस बाथरूम का कितना रेट मैंने लिया है, ये भी बताऊंगा उसी वाले वीडियो में। उसके लिए आप लोगों को जुड़े रहना है मेरे YouTube चैनल के साथ, और अगर नए हैं चैनल तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है शेयर और लाइक। मैं हर टाइम पे कहते रहता हूँ कि M14 मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि M14 का मसाला डालना चाहिए बाथरूमों के अंदर, ना कि बराई या कोई कूड़ा कचरा। इस वीडियो में भी मैं बात करूंगा फुली कि गवर्नमेंट बिल्डिंग क्यों लीक होता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन क्यों लीक नहीं होता है, या ठेकेदार जो काम करता है वो कैसे करता है, हर चीज़ समझाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आप लोगों का लाइव प्रूफ, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा अभी लाइव प्रूफ मेरे काम। एक जगह है जहाँ पे उस्ताद जे भी काम कर रहा है, ये देखो, देखो इसमें एक भी कचरा नहीं है, ईंटे का तो सवाल ही नहीं है। चलो जय सो जय सो क्या कर रहा हूँ आप।
ये फुली कंक्रीट डालने से हमारा एक ही मकसद होता है, देखो मसाला का कलर, इससे ही आप लोगों को पता चलता होगा कि क्या कितने एमएम का, कितने एकड़ डाला है हमने मसाला, प्लस हमने इसमें केमिकल्स भी दी है। अगर आप लोग इसको करने जाओगे वाटर प्रूफिंग, उसका कॉस्ट देखो, और फिर अगर प्लम्बर सही पड़ेगा तो उसका कॉस्ट देखो। आपके लिए क्या सही है, कौन सा सही चीज़ है, किसमें फ़ायदा है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसमें। और ये है मेरा खास मिस्त्री हमारे यहाँ साइट पे।